तो कार्बोनाइल कंपाउंड स्टार्ट करना है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का मैं पहले इंट्रोडक्शन पार्ट दे देता हूँ। कार्बोनाइल कंपाउंड को बेटा अपन दो पार्ट में बाइफरकेट कर रखे हैं, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड नंबर वन एंड कार्बोनाइल कंपाउंड नंबर टू। जो कार्बोनाइल कंपाउंड वन है बेटा, उसके अंदर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो कार्बोनाइल कंपाउंड नंबर टू पढ़ेंगे बेटा, उसमें बेटा हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव की बात करेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसमें एसिड क्लोराइड आ जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड आ जाएगा बेटा, फिर आपका अमाइड आ जाएगा, एस्टर आ जाएगा। ये सारे बेटा एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की बात होगी। तो अभी बेटा हम स्टार्ट करें कार्बोनाइल कंपाउंड नंबर वन, इसमें बेटा हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एल्डिहाइड कीटोन्स, फिर इसको फिनिश करके बेटा फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही आसान है बेटा, पहले हम आसान आसान से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक क्लास है। तो देखोगे कि आपको एल्डिहाइड कीटोन ही देखना है। तो जो फर्स्ट मेंबर है बेटा एल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड होता है। फॉर्मल्डिहाइड सबसे बेसिक मेंबर एल्डिहाइड का है। तो दोनों तरफ क्या लगा होगा बेटा, एच एच ग्रुप लगे होते हैं फॉर्मल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड जनरल क्या होता है बेटा, आर सी एच ओ होता है। ये फंक्शनैलिटी सी एच ओ रहना इंपॉर्टेंट है। कीटोन की बात करें बेटा, तो जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा, इट इज फ्लैंक बाई एल्काइल ग्रुप्स फ्रॉम बोथ दी एंड। तो ये कीटोन हो गया बेटा आपका। और एल्डिहाइड का बेसिक डिफरेंस आपको पता होगा आई होप सो। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का बेसिक डिफरेंस हो गया कि एल्डिहाइड में क्या होगा बेटा, सी एच ओ ग्रुप होगा, और आपका कीटोन में जो आपका सी ओ ग्रुप होगा, इट इज फ्लैंक बाई आर ग्रुप फ्रॉम बोथ दी साइड, ठीक है। और देखो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल है जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। जैसे वेनिलीन है, वेनिला फ्लेवरिंग जो हम यूटिलाइज करते हैं आइसक्रीम में, यूटिलाइज करते हैं चाहे आप केक बनाते हो, ठीक है, वेनिला एसेंस सब यूटिलाइज जो करते हो बेटा, यही कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड क्या है बेटा, देखो गौर से, इसमें कौन कौन से फंक्शनैलिटी। एक बेटा आपको फिनॉल फंक्शनैलिटी दिख रहा होगा, ओ एच ग्रुप लगा हुआ है। एक बेटा ये आपको ईथर दिख रहा होगा, ठीक है, ये ईथर हो गया। और ये बेटा आपका क्या हो गया, फिनॉल फंक्शनैलिटी हो गया। और ये बेटा आपको दिख रहा है एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी दिख रहा है। तो इससे एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी, एल्डिहाइड हो गया, ईथर हो गया बेटा, और फिनॉल हो गया। तो मेनली हमें एल्डिहाइड कीटोन पर फोकस करना है। तो वेनिलीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर बेटा सी एच ओ फंक्शनैलिटी अवेलेबल होता है। सिमिलरली बेटा एक सिनेमन होता है, जो आप नाम सुनोगे सिनेमन, जिसको दालचीनी कहते हैं बेटा, जो हम एज अ गर्म मसाला भी यूटिलाइज इन अ फूड। तो सिनेमन क्या होता है बेटा, अगेन ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अभी तो खासकर जब बेटा ये लॉकडाउन चल रहा है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बेटा सिनेमन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सिनेमन है बेटा क्या कंपाउंड है, देखोगे सिनेमल्डिहाइड को बेटा सिनेमन कहते हैं। ये जो सी एच ओ फंक्शनैलिटी, अगेन बेटा यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है। तो देख सकते हो बेटा सिनेमन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप को कौन सा बेटा, एल्डिहाइड। कैम्फर बेटा आप सभी लोग जानते हो, जो भी यार पूजा पाठ करते हो, जो भी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो, कैम्फर हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है बेटा। पूजा इसके बिना कंप्लीट नहीं होती। आरती वारती करने के लिए हम जो कैम्फर यूटिलाइज करते हैं, जिसे कपूर हिंदी में कहते हैं बेटा। अब देखो ये जो कपूर है, इट्स बाईसाइक्लो कंपाउंड, कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखोगे तो बाईसाइक्लो कैसा है बेटा, आप अगर इसको बनाना चाहो, यू कुड मेक इट इन दिस मैनर। ये कैम्फर को आप ऑल्टरनेटिवली कुछ इस तरह दिखा सकते हो। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है बेटा यहाँ पे, और इस ब्रिज कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कैम्फर हो गया बेटा। तो कैम्फर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। सेकेंड बेटा जो मैंने कंपाउंड चूज किया है, डेट इज स्पीयरमेंट ऑयल, ठीक है। स्पीयरमेंट ऑयल बेटा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहाँ भी क्या है बेटा, यहाँ भी कीटोन फंक्शनैलिटी दिख रहा होगा आपको। एक कैरावे सीड ऑयल है बेटा, यहाँ भी क्या है, कीटोन फंक्शनैलिटी। ये सारे ऐसे कंपाउंड है जो डे टू डे लाइफ में मिलते हैं बेटा, और जिनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है बेटा। तो ये सारे कंपाउंड देख रहे हो आप, वेनिलीन ले लो या चाहे वेनिला एसेंस कह लो, जिससे आप सिनेमल्डिहाइड सिनेमन कह लो, या आप कैम्फर कह लो, या स्पीयरमिंट ऑयल कह लो, चाहे वो कैरावे सीड ऑयल हो बेटा, ये सारे बेटा क्या है, बहुत ही सिंथेटिकली रेलिवेंट कंपाउंड हमारे लिए। तो इन सभी में देख रहे हैं बेटा, या तो एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है, या तो बेटा कीटोन फंक्शनैलिटी है। थोड़ा से जो स्लाइड है बेटा, अगेन इट इज रेलिवेंट टू आर डे टू डे लाइफ। और बेटा जो बायो के स्टूडेंट हो, वो थोड़ा सा ध्यान सुनना मेरी बात। एक किटोसिस बेटा क्या होता है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है। किटोसिस क्या होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है जो डायबिटिक पेशेंट में देखी जाती है बेटा। कहाँ होता है बेटा, इट अकर इन द पीपल हैविंग डायबिटीज। द बॉडी प्रोड्यूसेस मोर एसिटो एसिटेट। बॉडी बेटा एसिटो एसिटेट प्रोड्यूस करता है। ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है बेटा, इसको एसिटो एसिटेट बोलते हैं। और ये बेटा बॉडी के अंदर डिकम्पोज होता है, लेकिन जब एक्सेसिव प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, तो इसका मेटाबॉलिज्म होना बंद हो जाएगा। ये ज़्यादा मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, कुछ पार्ट अनमेटाबोल अन
मेटाबोलाइज फॉर्म में अवेलेबल रहेगा बॉडी के अंदर. तो देखो यहाँ पर लिखा होता है एक्सेस एसिटोएसिटेट ब्रेक्स डाउन टू एसीटोन कीटोन एंड CO2. तो जो ये एसिटोएसिटेट मॉलिक्यूल होता है बेटा ये किसमें ब्रेक हो जाता है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू एसीटोन एंड CO2 गैस ऑफ लिबरेटेड. तो ये बेटा जो डिकम्पोजिशन हो रहा है एसिटोएसिटेट का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. IIT एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं बेटा. अब इसका डिकम्पोजिशन का मैकेनिज्म क्या है ये बेटा हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी क्या हमारा रेलिवेंस है कि ये जो एसिटोएसिटेट कंपाउंड होता है बेटा वो डायबिटिक पेशेंट में होता है. एक्सेसिव में बेटा हो जाना बेकार है, क्योंकि वो क्या होगा बेटा, इट विल गेट डिकम्पोज टू फॉर्म एसीटोन एंड CO. तो बेटा उनके सीनेस से बेटा आपको या उनके ब्रेथ से आपको बेटा एसीटोन का स्मेल आ सकता है, एंड दैट शोज कि उनके बॉडी के अंदर बेटा एसिटोएसिटेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई हो गई है. ठीक है, तो दैट इज अ डिजीज विच इज किटोसिस, जो कि बेटा डायबिटिक पेशेंट के अंदर देखी जाती है. तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस एसिटोएसिटेट ब्रेक्स डाउन टू एसीटोन एंड CO2. किटोसिस कैन बी रिकॉग्नाइज विद द स्मेल ऑफ एसीटोन ऑन अ पर्सन्स ब्रेथ. ठीक है बेटा, एसीटोन का स्मेल बेटा हम सभी को पता होता है कि नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो एसीटोन होता है बेटा. तो ये बेटा एक स्पेशल टाइप का डिसऑर्डर है डायबिटिक पेशेंट में देखी जाती है, जहाँ पर बेटा अगेन बेटा यहाँ पर कौन सी फंक्शनैलिटी है देखोगे, यहाँ पे कीटोन फंक्शनैलिटी. ठीक है, नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल मैंने चूज किया बेटा, अगेन ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, जो बायो के स्टूडेंट हो उनको पता होगा बेटा, प्रोजेस्टेरोन कहते हैं बेटा इसे, और एक बेटा टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि मेल हार्मोन होता है. ठीक है, ये मेल सेक्स हार्मोन है बेटा और ये फीमेल सेक्स हार्मोन है. कंपाउंड देखो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब IIT को बड़ा पसंद आता है कंपाउंड, खासकर आपसे ये पूछ लेंगे. ये कायरल सेंटर है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बेटा, यहाँ पे कायरल सेंटर है, यहाँ पे भी कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल सेंटर है, यहाँ पे कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल सेंटर है. ठीक है, तो ये सारे कायरल सेंटर है, और यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है बेटा कौन सा बेटा, कीटोन फंक्शनैलिटी. तो अगेन देखो बेटा ये जो प्रोजेस्टेरोन जो होता है बेटा उसके अंदर बेटा कीटोन फंक्शनैलिटी अवेलेबल. नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है बेटा दैट इज टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है. यहाँ पे बेटा देखोगे कौन सा फंक्शनैलिटी, अगेन इट हैज गॉट अ कीटोन फंक्शनैलिटी. तो ये सारे कंपाउंड ऐसे है बेटा जो कि डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं बेटा, कहीं ना कहीं चाहे बायोलॉजिकल एप्लीकेशन हो चाहे वो सिंथेटिक एप्लीकेशन हो बेटा, हर एक जगह रेलिवेंस है जहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनैलिटी अवेलेबल होता है. दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयरिंग दिस स्लाइड विद यू, ताकि आप समझो बेटा कि एल्डिहाइड कीटोन जो फंक्शनैलिटी है वो आपको कहीं भी देख सकता है. डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जहाँ पे बेटा हमें देखने होते हैं, जहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनैलिटी प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर. अब ये बेटा सिस्टमैटिक नेम है और बेटा हमारे पास कॉमन नेम है. ठीक है, तो आपको बेटा ये IPCC नॉमेनक्लेचर भी गॉन थ्रू दिस, जस्ट मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए डाल दिया हूँ, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमें सिस्टमैटिक नेम भी पता होना चाहिए, कॉमन नेम भी पता होना चाहिए. फर्स्ट जो मॉलिक्यूल मैंने डाला फॉर्मेल्डिहाइड, वी आर यूज टू दिस मॉलिक्यूल, जिसका बेटा IUPAC नेम मेथनल होता है, क्योंकि जो IUPAC नेम बेटा आपका कीटोन का है वो आपका एल्केनल होता है, एल्केनल. ठीक है, एल्केनल आपका IUPAC नेम बेटा किसका है, IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड. और कीटोन का क्या होता है बेटा, कीटोन का जो IUPAC नेम होता है वो एल्केनोन होता है, एल्केनोन कीटोन के लिए यूटिलाइज करता है. ठीक है, तो मैथेनल हो गया, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, इथेनल को बेटा एस्टरडिहाइड बोलते हो, तो कॉमन नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. अब ये जो मॉलिक्यूल है बेटा आप देखो ये एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है, दिस इज एन एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी, और इसके रिस्पेक्ट में इसके अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है. तो आपसे क्या बोल सकते हो बेटा, अल्फा ब्रोमो प्रोपायनल डिहाइड कॉमन नेम हो गया बेटा. IPAC नेम क्या होगा, क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनैलिटी है, फर्स्ट कार्बन सेकेंड थर्ड हो गया बेटा, 2-bromopropanol इज द IPAC नेम ऑफ द मॉलिक्यूल. फिर से IPAC नेम ऑफ द मॉलिक्यूल की बात करें बेटा, क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनैलिटी है, 1, 2, 3, 4 नेम क्या हो जाएगा, 3-chloro-butanol. अगेन यहाँ पे देखोगे बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें यहीं से काउंट करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, 3-methyl-butanol. यहाँ बेटा देखो दो दो एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी एक ही चेन के अंदर अवेलेबल है, तो डायल टर्म यूटिलाइज करना पड़ेगा बेटा, तो नेम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेन डायल इज द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल. ये देखो बेटा सिस्टमैटिक कॉमन नेम इसका बेटा, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फिजिबिलिटी है, क्योंकि बेटा फर्स्ट सेकंड कार्बन सेंटर पे ग्रुप्स लगे हुए जो आपस में अपोजिट एंड पे, एक ऊपर की तरफ आ रहा है और एक अंदर की तरफ जा रहा है. तो मॉलिक्यूल क्या बेटा, ट्रांस 2-methylcyclohexane carbaldehyde. जब भी बेटा CHO ग्रुप रिंग से लगा होता है
स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूटिलाइज करते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, कार्बन डिहाइड टर्म लगाते हैं। ये मैंने आपको आईपीएससी के नोमेनक्लेचर के रूल्स में बता रखा है, कार्बन डिहाइड टर्म्स लगाते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांस टू मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, बेंजील डिहाइड कहते हैं बेटा। आईयूपीएसी नेम क्या होगा बेटा, बेंजीन कार्बन डिहाइड, क्योंकि डायरेक्टली सीएचओ रिंग से अटैच होता है। जब भी रिंग से अटैच होगा तो हमें स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूटिलाइज करना होता है, दैट इज कार्बन डिहाइड। तो आई होप यार ये आईयूपीएसी नेम आपका एल्डिहाइड क्लियर होगा। फोर्थ स्लाइड में आते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो मॉलिक्यूल मैंने चूज कर रखा है, इसमें दो सब्सिट्यूएंट, दो इसमें फंक्शनैलिटी, एक तो बेटा आपका एल्कोहल है और एक बेटा एसिड है, सॉरी एसिड कह दिया, एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है और एक एल्कोहल है। ज़्यादा बेटा प्रायोरिटी आप एल्डिहाइड को देते हो, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स, हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। और ये बेटा जो आपका फंक्शनैलिटी हो जाएगा एज अ प्रीफिक्स, मीन्स एज अ सब्सिट्यूएंट हो गया बेटा, और एल्कोहल एज अ सब्सिट्यूएंट हाइड्रोक्सी हो जाता है। नेम क्या होगा बेटा, 1, 2, 3, 4, 3 हाइड्रोक्सिल ब्यूटेनॉल। इसमें देखोगे बेटा यहाँ पे एस्टर है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो बेटा ध्यान रखना है एस्टर का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, मोर प्रायोरिटी या मोर प्रेफरेंस हम देते हैं एज कम्पेयर टू एन एल्डिहाइड। तो नेम ही कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से। एस्टर का नेम क्या होता है बेटा, एल्काइल एल्कानोएट होता है, तो ध्यान रखना है मिथाइल, और हमें इसको बेटा एज ए सब्सिट्यूएंट लेना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल 5-ऑक्सो-पेंटेनोएट, क्योंकि ये एल्डिहाइड बेटा क्या हो गया बेटा आपका एज अ सब्सिट्यूएंट हो गया। तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल 5-ऑक्सो-पेंटेनोएट। अगेन यहाँ पे क्या है बेटा, एक एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है, एक बेटा क्या है आपका एस्टर है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। एस्टर का नेम क्या होता है बेटा, एल्काइल एल्कानोएट होता है, एल्काइल एल्कानोएट, एल्काइल एल्कानोएट है। नेम क्या हो जाएगा बेटा, इथाइल, इथाइल मेंशन करोगे, फिर सब्सिट्यूएंट बताओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 4 पे क्या लगा हुआ है, आप इसको ऑक्सो या फॉर्माइल टर्म यूटिलाइज करते हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, इथाइल 4-फॉर्माइल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सानोएट। नेम क्या हो जाएगा, इथाइल 4-फॉर्माइल हेक्सानोएट। ये सारे आईपीसी नेम प्रैक्टिस आपको करना है। यहाँ बेटा समरी ऑफ फंक्शन ग्रुप ऑफ नोमेनक्लेचर आपको याद होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ओएक एसिड कार्बोक्सी हो गया, देन एस्टर ओएच एल्कोक्सी कार्बोनिल एज अ सब्स्टिट्यूएंट, अमाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट एमिडो होता है, नाइट्राइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट साइनो होता है, एल्डिहाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सो होता है, एल्डिहाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट फॉर्माइल होता है, कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सो होता है बेटा, एल्कोहल एज अ सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी होता है, अमीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट एमिनो होता है, एल्कीन एल्कीनाइल होता है, एल्काइन एल्कीनाइल होता है, एल्केन एल्काइल होता है, ईथर एल्कोक्सी होता है, और एल्काइल एलाइड बेटा एलो होता है। तो ये सारा एक रिवीजन है आपका जो आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है पहले बेटा, तो मैंने एक स्लाइड डाल दी है ताकि आप उसको रिवाइज कर लोगे। नेक्स्ट आते बेटा आईपीएससी नोमेनक्लेचर कीटोन्स की तरफ आए। एज ए स्टेटेड यू, कीटोन का जो नेम होता है बेटा क्या होता है, एल्केनोन होता है, एल्केनोन होता है, ठीक है। जो फर्स्ट मेंबर है बेटा, तीन का हमें रिक्वायर्ड होता है। फर्स्ट मेंबर क्या हो गया, प्रोपेनोन हो गया, कॉमन नेम एसीटोन हो गया, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसका नेम बेटा अगेन आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग द चेन, ये जो चेन वाला जो कार्बन चेन वाला फंक्शनैलिटी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेन थ्री ओन या 3-हेक्सेनोन कह सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ बेटा कीटोन है बेटा, तो यहाँ से काउंटिंग करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 मिथाइल 2-हेप्टेनोन। ये बेटा सर्टेन आपके साइक्लिक कीटोन्स यहाँ पे दिए गए हैं, साइक्लोहेक्सेनोन नेम है बेटा इसका, इसका ब्यूटेन डायऑन है, क्योंकि दोनों कीटोन फंक्शनैलिटी है, ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है। यहाँ बेटा क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4 पेंटेन डायऑन हो गया बेटा। यहाँ बेटा एक ही कीटोन फंक्शनैलिटी है, आप काउंटिंग इधर से करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा, इसको दिखाना पड़ेगा। तो कहाँ पे बेटा, 4-हेक्सीन-2-ऑन इज द नेम द मॉलिक्यूल। अब ये देख लो बेटा, ये साइक्लिक कंपाउंड है जो कि बेंजीन से लगा हुआ है, ठीक है। बेंजीन लगा हुआ है तो दिस कंपाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कॉमन नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, एसिटोफिनोन होता है, बिल्कुल याद रखना एसिटोफिनोन, बहुत ही जगह में यूटिलाइज करेंगे इसको, एसिटोफिनोन होता है बेटा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल फिनाइल कीटोन हो जाएगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, बेंजोफिनोन बेटा, इसे क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, आपको कॉमन नेम के टर्म्स में याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको डाइफिनाइल कीटोन भी कह सकते हो, बेंजोफिनोन में ऐसा क्या हो बेटा, आईयूपीएसी नेम हो गया, तो आईयूपीएसी नेम के टर्म्स में बेटा बेंजोफिनोन यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो बेंजोफिनोन हो गया, एक बेटा क्या हो गया, एसिटोफिनोन हो गया। तो प्लीज अब इस नेम को याद रखना, क्योंकि आपको ऐसे नेम से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, ठीक है। जहां बेंजोफिनोन आ गया एज ए नेम सजेस्ट, कैसे याद रखना बेटा, बेंजोफिनोन मतलब क्या, बेंजो ग्रुप लगा, ये तो बेंजो हो गया, और इससे फिनाइल ग्रुप लगा दोगे तो बेंजोफिनोन हो गया। एसिटोफिनोन मतलब एसिटो ग्रुप लगा दो, सी एस सी सी ओ ग्रुप लगा दो, इससे फिनाइल ग्रुप लगा दो, एसिटोफिनोन हो गया। तो बेंजोफिनोन सी सी एच फाइव सी ओ से फिनाइल ग्रुप लगा होगा, एसिटोफिनोन एसिटो ग्रुप से बेटा फिनाइल ग्रुप लगा होगा, दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, ये सारे बेटा बेसिक हैं, तो मैं जल्दी जल्दी कराते हुए जा रहा हूँ। अब यहाँ बेटा देखोगे आप, यहाँ पे कीटोन भी है, यहाँ पे एल्डिहाइड भी, कीटोन भी एल्डिहाइड में है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसे दोगे, एल्डिहाइड को दोगे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फोर ऑक्सो पेंटेन, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे क्या आता है, एस्टर है और कीटोन है, एस्टर की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो नेम क्या होता है बेटा, एल्काइल एल्कानोएट होता है, एल्काइल एल्कानोएट होता है, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल, ये सब्सिट्यूएंट को बताना पड़ेगा, थ्री ऑक्सो बिटानोएट। अब देखो बेटा, ये रिंग है और ये एक टाई चेन दे रखा है, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। आपको ये देखना है कि रिंग में कितने कार्बन है और साइड चेन में कितने कार्बन है। अगर रिंग का कार्बन साइड चेन से ज़्यादा है तो आपको क्या होगा बेटा, रिंग आपको पैरेंट चेन हो जाएगा, अगर साइड चेन में कार्बन नंबर ज़्यादा होगा तो रिंग एज अ सब्सिक्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, रिंग के अंदर छः कार्बन है और साइड चेन में एक दो तीन चार पाँच छः, ये हमारा हो गया सब्सिक्वेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा सब्सिट्यूएंट, और ये रिंग वाला जो हो गया बेटा, ये हो गया हमारा पैरेंट चेन, ये हो गया हमारा पैरेंट चेन। नेम क्या लिख लोगे बेटा, वन टू पे लगा हुआ है, टू थ्री ऑक्सो पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये एक बेटा मैंने एक इन्फॉर्मेशन डाल रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कीटोन से रिलेटेड है, ब्यूटेन डायोन एंड अनप्लीजेंट कंपाउंड, ठीक है। दिस कंपाउंड इज वेरी अनप्लीजेंट, व्हाइट इज अनप्लीजेंट, देखो ये फ्रेश परस्पिरेशन इज ऑर्डरलेस, ठीक है, fresh perspiration is odorless, bacteria that are always present on our skin produce lactic acid, thereby creating an acidic environment that allows the bacteria to break down the component of perspiration, producing compound with the unappealing odor we associate with armpit and sweaty feet. One such compound is butanediol. To jo beta unpleasant jo odor create hota hai pasine mein, it is because of one of the component is butanediol, ye compound beta present hota hai। और ये बेटा क्या होता है, इसकी जो ऑर्डर होती है अनप्रेजेंट होती है, किस तरह हो रही है बेटा, ये आपका यहाँ पे एक मैकेनिज्म बताया गया है कि ये ब्यूटेन डायोन बेटा क्या होता है, जो कंपोनेंट परस्पिरेशन प्रेजेंट होते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन कंपोनेंट में एक कंपोनेंट क्या है, ब्यूटेन डायोन है, जिसके थ्रू अनप्रेजेंट ऑर्डर क्रिएट होता है। आर्मपिट का देखो या पैर में जो स्मेल आता है, इट इज बिकॉज ऑफ वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ब्यूटेन डायोन, ठीक है। जस्ट एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कंपाउंड को डाल दिया ब्यूटेन डायोन, जो कि एक अनप्लेजेंट कंपाउंड है, अगेन इट इज अ कंपाउंड हैविंग कीटोन फंक्शनैलिटी। अब हम आते हैं बेटा अपनी केमिस्ट्री की तरफ आते हैं, ठीक है। तो अब बेटा हम केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे, हमने बेसिक्स देख लिया, वे गॉन थ्रू द आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। अब बेटा स्टार्ट करेंगे कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, पहले यहाँ पर गौर से देखना, जो भी आप एल्डिहाइड कीटोन की बात करोगे, तो अगर आप कीटोन की बात करोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, एच की जगह आर लगाओगे, ठीक है। लेकिन बेसिक एक ही है बेटा, बेसिक फ्रेमवर्क बेसिक स्केलेटन वही रहेगा, अब गौर से देखना है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कारण पे क्या होगा बेटा, डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर बेटा इस कार्बन को सीक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल विल सीक दिस पर्टिकुलर कार्बन सेंटर। जितना ज़्यादा डेल्टा प्लस चार्ज होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल इसको सीक करना चाहेगा बेटा, तो डेल्टा प्लस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जितना ज़्यादा होगा इस कार्बन सेंटर पे उतना ही इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा बेटा, फेवरेबल होगा। तो देखो बेटा, अगर हम कीटोन की बात करें और एल्डिहाइड की बात करें, तो बेसिक डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर में,
एल्डिहाइड में यहाँ पे एच आ जाता है, एक एच मिनिमम रहेगा बेटा, और यहाँ भी एच हो सकता है, लेकिन चलो जनरल केस की बात करें तो यहाँ पे आर होगा, ठीक है। तो अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो आर सी एच ओ है, ये तो रहेगा ही रहेगा, सी एच ओ तो रहना ही कंपल्सरी है। कीटोन में बेटा हमेशा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर रहेगा। अब देखो आर की इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करो, आर क्या है बेटा, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी आर क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो जो डेल्टा प्लस जो चार्ज होगा बेटा एस कार्बन पे रिलेटिवली कम होगा एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, ये आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप कंपैरिजन करो तो आपको कि सर फॉर्मल डिहाइड में सबसे ज़्यादा डेल्टा प्लस चार्ज होगा, क्यों फॉर्मल डिहाइड में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों तरफ एच लगे हुए, एच बेटा हमारा रेफरेंस होता है, न तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है न तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड होगा, और फिर इसके बाद बेटा क्या होगा, कीटोन। तो अगर आप डेल्टा प्लस चार्ज की बात करो तो जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना चाहिए वो इस ऑर्डर में होना चाहिए, डेल्टा प्लस चार्ज यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, फिर एल्डिहाइड, हाइर एल्डिहाइड में बेटा, और सबसे कम बेटा कीटोन। तो अगर आप रिएक्टिविटी की बात करोगे कि ये न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ ज़्यादा आना चाहेगा बेटा, तो आप क्या कहोगे, सबसे ज़्यादा फॉर्मल्डिहाइड, फिर हाइर एल्डिहाइड, एंड देन कीटोन, ठीक है। तो दिस इज द जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड अ कीटोन टुवर्ड अ न्यूक्लियोफाइल, ये समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ पर जो हमने रिएक्टिविटी बेटा एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, जहाँ पर हम रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट को इंक्लूजन में लेते हैं और ये फिगर आउट करते हैं कि इस कार्बन पे कितना चार्ज बिल्डअप हो रहा है, जितना डेल्टा प्लस चार्ज यहाँ पे बिल्डअप होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल इसको सीक करेगा, ठीक है। डेट मीन्स वॉट कि एक जो आपका एल्डिहाइड कीटोन होता है वो किसके रिएक्ट करना चाहिए बेटा, इट विल ट्राई टू रिएक्ट विद अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रिएक्शन होगा। ऑर्डर क्या होता है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा, देन फॉलोड बाई एल्डिहाइड एंड देन कीटोन। कीटोन में बेटा क्यों सबसे कम हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई के थ्रू क्या होता है बेटा, इस कार्बन पे जो डेल्टा प्लस चार्ज होगा वो डिमिनिश होगा, और जब डिमिनिश होगा तो न्यूक्लियोफाइल की जो अटैक करने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, स्लगिश हो जाएगी। तो अगर हम रिलेटिवली कंपेरिजन करेंगे तीन मॉलिक्यूल का, जनरल मॉलिक्यूल का, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, हम क्या कहेंगे कि फॉर्मल डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फॉलोड बाई हाइयर एल्डिहाइड, देन अ कीटोन, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड अ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट स्लाइड पे आओगे, ठीक है। यहाँ पर वही चीज मेंशन है बेटा जो मैंने बोला है, जस्ट गो थ्रू दिस, अपने नोट्स में जरूर डालना। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या हो गया बेटा, आपका फॉर्मल डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव हो गया, और कीटोन क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। तो ये जो पैरामीटर जो एक्सप्लेन करने को लिया है बेटा, हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को इंक्लूजन में लिया, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के थ्रू बेटा हमने एक्सप्लेन किया है कि जो आपका फॉर्मल डिहाइड होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन एल्डिहाइड, देन इट इज कीटोन, एंड हाउ इट इज सो, बिकॉज ऑफ मोर डेल्टा प्लस चार्ज ओवर दिस कार्बन सेंटर। अब यहाँ पर डेल्टा प्लस उससे कम हो जाएगा क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो डेल्टा प्लस और भी कम हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा रिएक्टिविटी देखने का तरीका। दूसरा क्या बेटा, हम क्या इंक्लूजन लेते हैं, टेकन टू इंक्लूजन स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट को ध्यान से देखोगे तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम न्यूक्लियोफाइल को एल्डिहाइड पर अटैक कराते हैं और न्यूक्लियोफाइल को कीटोन पर अटैक कराएंगे, एंड यू सी कि जो ट्रांजिशन स्टेट या जो इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है वो कितना स्टेबल जनरेट हो रहा है। जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये बॉन्ड बेटा ब्रेक होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आपका क्या मिल जाएगा, आर सी एच ओ के आ गया बेटा नेगेटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल जाकर ऐड हो गया, ये रिएक्शन होगा। अगर आप कीटोन की बात करोगे बेटा, कीटोन अगर हम सिमिलर न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, कीटोन के साथ क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी आर लगा हुआ है, डबल बॉन्ड हुआ है, सेम रिएक्शन हो रहा था, ये बॉन्ड क्लीव हुआ, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसका अटैक किया, प्रोडक्ट क्या बना लेगा, आर, यहाँ पे आर ओ नेगेटिव, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ये इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है। अब देखो बेटा क्या डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन थी ये हो गई sp2, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या बेटा, sp3, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा, sp3 है, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बेटा यहाँ पे क्या, sp2। तो जब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन हो रहा है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से कहाँ हो गया बेटा, sp2 से कन्वर्ट हो गया sp3,
ये sp2 hybridization aldehyde ketone की, और जो इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है, द इंटरमीडिएट व्हिच हैज गॉट जनरेटेड इज sp3 hybridized, ठीक है। ये इंटरमीडिएट जो जनरेट हो रहा है ये क्या बेटा आपका sp3 hybridized है, sp3 hybridized है, sp3 है, ठीक है। अब देखो बेटा कौन ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल है, अब देखो ओ नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल तो दोनों में सेम है, लेकिन आर, ये आर और ये आर भी सेम है बेटा, लेकिन डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है इट इज इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अनदर अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ बेटा एक दूसरा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो बेटा, अब इसका बॉन्ड एंगल कितना हो, क्योंकि sp3 है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109.5 डिग्री होगा, 109.5 डिग्री, यहाँ बॉन्ड एंगल सेम होगा 109.5 डिग्री। अब मुझे बताओगे कि स्टेरिक इफेक्ट कहाँ लगेगा, स्टेरिक इफेक्ट बेटा ज्यादा कीटोन में लगेगा क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, क्योंकि डिफरेंस है बेटा हाइड्रोजन और अल्काइल के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप बेटा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में है, कौन सा इंटरमीडिएट है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। अब देख सकते हो बेटा कि जो स्टेरिक इफेक्ट है वो ज्यादा कहाँ लग रहा है, कीटोन में लग रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक इफेक्ट ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होगा ये लेस स्टेबल होगा, ये क्या होगा बेटा लेस स्टेबल होगा, और ये जो होगा बेटा एल्डिहाइड के केस में इट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे H है बेटा तो यहाँ पे लेस स्टेरिक इफेक्ट ऑपरेट होगा। O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल सेम है, R यहाँ पे सेम है, H और R का डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द बल्किनेस ऑफ द R ग्रुप, जो आपका केटोन की कॉरस्पॉन्डिंगली जो इंटरमीडिएट मिलेगा बेटा, जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा वो आपका लेस स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक इफेक्ट, बिकॉज ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। तो अगर बेटा आप बात देखो कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट दोनों के इंक्लूजन में ले लें, तो बेटा दोनों इफेक्ट्स हम यही कहेंगे कि चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इंक्लूजन में लो चाहे आप स्टेरिक इफेक्ट को देखो, इन जनरल एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन अ कीटोन, more reactive than a ketone. तो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर लो चाहे स्टेरिक इफेक्ट की बात करो, दोनों इफेक्ट से बेटा हम एक ही कंक्लूसिव पार्ट पे आ रहे हैं कि जो आपका एल्डिहाइड होगा बेटा वो कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू अ कीटोन टुवर्ड अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब यहां तक कोई डाउट है तो बताओ पहले मुझे रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमने क्या बेटा जनरलाइज कर लिया कि अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को देखोगे तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन अ कीटोन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एज वेल एज स्टेरिक इफेक्ट। तो दोनों इफेक्ट के बेसिस पे क्या होगा बेटा आपका जो ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन सा होगा बेटा एल्डिहाइड ही होगा, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन अ कीटोन। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या बेटा देख रहे हो आप, आर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट देख रहे हो, और जब बेटा स्टेरिक इफेक्ट देखोगे तो क्या देख रहे हो बेटा बल्किनेस देख रहे हो। तो दोनों तरीके से आप देखोगे तो यू विल सी दैट एन एल्डिहाइड इज इनफैक्ट मोर रिएक्टिव देन अ कीटोन टुवर्ड अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये हो गया बेटा कंक्लूसिव पार्ट बाय मींस ऑफ कंसीडरिंग बोथ द इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज स्टेरिक इफेक्ट। और दोनों इफेक्ट को लगाकर देखोगे तो हमें बेटा एक ही चीज मिलेगा कि जो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी है कीटोन से ज्यादा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने एक जो स्लाइड ले रखा है वो स्टेरिक इफेक्ट वाला ले रखा है, ठीक है। तो स्टेरिक इफेक्ट से बेटा क्या देखोगे कि आपका जो आपका एल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव हो। अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बताओगे, जैसे मान लो यार कि यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया CCH5COCH3 ले लिया, ये एस्ट्रोफिनॉल है, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल ले लिया बेटा बेंजोफिनॉल ले लिया, एस्ट्रोफिनॉल ले लिया और बेंजोफिनॉल ले लिया, दोनों कीटोन फंक्शनैलिटी है। और मैंने कहा क्या कि बताओ यार कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो आपको क्या चेक करना है डेल्टा प्लस चेक करना है, यहाँ भी क्या चेक करना है डेल्टा प्लस चेक करना है। तब क्या कहोगे बेटा सिंपली देखते ही बताओगे, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है तो फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंड टू ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। दोनों रीजन से देख सकते हो आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी लगा सकते हो और स्टेरिक इफेक्ट भी लगा सकते हो।
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के भी अकॉर्डिंगली देख सकते हो बेटा, और आप बेटा स्टेरिक इफेक्ट से भी देख सकते हो। दोनों इफेक्ट से एक ही चीज़ मिलेगा दैट द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज मोर रिएक्टिव देन द सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ बेटा, फिनाइल इज मोर बल्कियर देन CH3। तो बेटा यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट भी लगाओगे तो यही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इलेक्ट्रॉनिक लगाओगे बेटा तो फिनाइल क्या करेगा, रेजिडेंस के थ्रू डेल्टा प्लस को ज़्यादा डिस्पोज करेगा बेटा। यहाँ भी दोनों तरफ फिनाइल है तो ज़्यादा डेल्टा प्लस यहाँ पे डिस्पोज हो रहा है बेटा सेकंड केस में, तो डेल्टा प्लस की मैग्नीट्यूड सेकंड में कम होगी, डेल्टा प्लस की मैग्नीट्यूड फर्स्ट में ज़्यादा होगी। तो दोनों इफेक्ट से बेटा देखोगे कि जो आपका फर्स्ट कॉम्पोनेंट है इट इज मोर रिएक्टिव देन द सेकंड वन, ठीक है। तो हमें ये पता हो गया कि जो एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी है कीटोन से ज़्यादा है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज स्टेरिक इफेक्ट। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, अब आपको यहाँ पे रिलेटिव रिएक्टिविटीज बताना है। यहाँ पे मेरा ऑर्डर यहाँ मेंशन कर रखा है, यहाँ पे कीटोन है बेटा जहाँ पे दो मेथिल ग्रुप लगे हुए कीटोन से, एक मेथिल लगा हुआ है और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है बेटा, एक यहाँ पे दोनों आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे। तो जैसे जैसे बल्किनेस बढ़ाओगे ग्रुप का वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होगा। तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, देन सेकेंड एंड देन फॉलोड बाई, ठीक है। अब ये सेकंड देखो गया विच कीटोन इज मोर रिएक्टिव, एक बेटा टू हेप्टेनॉन दे रखा है, एक फोर हेप्टेनॉन दे रखा है, जल्दी देख के बताओ टू हेप्टेनॉन एंड फोर हेप्टेनॉन विच वन इज मोर रिएक्टिव। एक और क्वेश्चन है पैरा नाइट्रो एस्ट्रोफिनॉन है, देखो बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ एस्ट्रोफिनॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोफिनॉन है मैं बना देता हूँ, पैरा नाइट्रो एस्ट्रोफिनॉन है। तो पहले एस्ट्रोफिनॉन क्या होता है, CCH5CO CH, फोर्थ कार्बन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ, ये हो गया बेटा पैरा नाइट्रो, ये हो गया बेटा पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। दूसरा मॉलिक्यूल क्या बेटा, पैरा मिथॉक्सी एस्ट्रोफिनोन। अब आप मुझे जल्दी से बताओ कि इन दोनों में, बस ये GOC का बेसिक क्वेश्चन हो गया, इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन। देखो बेटा जब आपने नाइट्रो और मिथॉक्सी को सिर्फ आपने अलग अलग किया है तो जहाँ तक बल्किनेस की बात है दोनों सेम लेवल का बल्कि ग्रुप है, तो आपको बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा, और आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो डेल्टा प्लस चार्ज है कहाँ पर ज़्यादा है। जब बल्किनेस सेम दिख रहा हो बेटा तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर शिफ्ट हो जाओ। यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर अगर आप NO2 किया हाँ तो ये माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है बेटा यहाँ पे, और क्या कर रहा है माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, है ना, माइनस आर एंड माइनस आई। अगर आप ये मिथॉक्सी की बात करोगे बेटा तो प्लस आर एंड माइनस आई, एंड वी आर नोइंग द फैक्ट दैट प्लस आर इज मोर प्रेडोमिनेंट देन माइनस आई। तो प्लस आर के थ्रू क्या कर रहा होगा बेटा, इसके डेल्टा प्लस के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा डेल्टा प्लस का मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ प्रेडोमिनेंस ऑफ प्लस आर इफेक्ट, मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस ओवर हियर। तो बेटा साफ साफ देख सकते हो कि जो आपका फर्स्ट कॉम्पोनेंट है वो सेकेंड कॉम्पोनेंट से क्या होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सबको दिख रहा है बेटा ये, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमने किस कंक्लूजन में ले लिया, बायलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यू कैन सी दैट बायलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यू कैन से दैट फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंड, फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेम है ना बेटा, टू हेप्टेनॉन और फोर हेप्टेनॉन कर लोगे। अब मुझे बताओगे क्या हो रहा है यहाँ पे, एक दो तीन चार टू हेप्टेनॉन है, ये आपका टू हेप्टेनॉन हो गया, देख मॉलिक्यूल बेटा फोर हेप्टेनॉन है, ये आपका फोर हेप्टेनॉन, ठीक है। आपको बताना है विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड व्हाई, आसान सा है जल्दी बता दो यार। फर्स्ट और सेकंड में कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेटा, दिस इज अ वे टू असेस द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है बेटा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट लगाना है जहाँ पे स्टेरिकली आपको सेम लेवल। सर हाँ बोलो, इस मार्क को हटा दो। हाँ ये हटा रहा हूँ यार, स्लाइड पे आ रहा है ये, अपना की ऑटोमेटिक पता है म्यूट हो गया। हाँ चलो यार,
तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, ठीक है बेटा। ये मार्क क्यों नहीं हट रहा है यार, ये मार्क क्यों आ जाता है? प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। सही से मूव होता है, स्कोप पर शिफ्ट कर दे। ठीक है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट बेटा अगले स्लाइड में बेटा देखोगे, यहाँ बेटा हमने सारे कार्बोनाइल ग्रुप्स को यहाँ पे इंक्लूजन ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे सारे कार्बोनाइल ग्रुप्स इंक्लूजन ले लिया, एसिड हैलाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिल।